guys, how are you all? I'm Bindi and welcome to my YouTube channel. So I hope you all are doing very well, enjoying your life. So aaj main aapke beech mein ye wala makeup look leke aayi hu. This is my step by step full face makeup tutorial. This is full face makeup tutorial, but बहुत ही quick and बहुत ही easy हो जाता है. इसमें मैंने बहुत ही easy beginners friendly cut crease भी की है, just for beginners जो अभी makeup सीख रहे हैं. So this makeup look is very easy, yet it looks very glamorous. You can carry this makeup look with Indian outfit as well as with Western outfit. तो देर ना करते हुए let's start and do this makeup look. So further any ado, let's start. So aaj main aapko jo easy step by step full face makeup tutorial bata rahi hu. So first hum uske liye we will prep our skin. So for prepping, as usual, I am taking my favorite Garnier wrinkle lift moisturizer. So ye main thoda sa अपने फुल फेस पे लगा दूंगी. सो अच्छे से मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लिया. नाउ वी विल अप्लाई कंसीलर. सो फॉर कंसीलर टुडे आई एम टेकिंग दिस न्यू कंसीलर पैलेट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक, प्रो कंसीलर पैलेट. 6 शेड्स आते हैं. इट्स अ येलो करेक्टर, पीच करेक्टर एंड एक कटिंग के लिए डार्क शेड एंड बाकी सारे कंसीलर शेड. सो दिस इज अराउंड फॉर 180 रुपीज इन डिस्काउंट. और ये बहुत ही अच्छा पैलेट है. दिस इज अ वेरी नाइस एंड वर्सिटाइल पैलेट. इन 180 रुपीज यू गेट 6 शेड्स. सो 6 शेड्स में आपको ऑलमोस्ट सारे ही शेड मिल रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर कंसीलिंग देन कवरिंग योर डार्क सर्कल एंड इवन कटिंग योर जॉ लाइन एंड ऑल दैट थिंग. सो इसके लिए मैं फर्स्ट शेड ले रही हूँ कंसीलिंग के लिए, ये वाला. And for blending, I'm taking my Nykaa concealer brush. Same thing, ये concealer मैं अपनी ring finger में लेके अपने under eye पे लगा लूंगी. This is very nice, like in 180 rupees. I was not expecting this concealer to be so good. बहुत ही अच्छा concealer है. एंड वेरी नाइस एंड ब्लेंडेबल. बहुत सारे कंसीलर ऐसे भी है बिकॉज इट्स लाइक उसकी प्राइस कम है तो ब्लेंडेबल नहीं है, कवरेज ज्यादा नहीं है. बट दिस इज, यू कैन सी दिस इज हाई कवरेज कंसीलर. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कंसीलर एंड हाईली हाईली रेकमेंड. उस पर थोड़ा सा कंसीलर को, दिस इज मस्ट बाय. In 180 rupees, 6 shade of concealer, it's like amazing deal. So for today foundation, I am taking Nykaa Studio Fix foundation, and this is one of my favorite foundation. Mostly ये सबका ही favorite foundation and really it's a very good foundation. So if you want to invest in a very good foundation and if you have a budget, do keep one MAC foundation. It's very good, high coverage and amazing, amazing good foundation. आजकल तो यही MAC Studio Fix का मिनी भी आया है. So that is little bit low in price. So of course you can always invest in one MAC foundation. So मैंने foundation back of my hand लिया और मैं अपने damp beauty blender से फाउंडेशन को अपने फुल फेस पे लगा दूंगी. सो फर्स्ट मैं पूरे फेस पे इसके डॉट्स कर दूंगी. दिस इज फुल कवरेज फाउंडेशन. तो मैं अभी पहले थोड़ा लेके फिर देखूंगी, इफ आई रिक्वायर मोर देन आई विल बी अप्लाइंग सेकेंड कोट. सो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से फाउंडेशन को अपने स्किन पे ब्लेंड कर दूंगी. टेक योर ओन टाइम एंड ब्लेंड फाउंडेशन वेरी नाइसली, अदरवाइज फाउंडेशन विल लुक पैची एंड योर बेस विल लुक अनइवन एंड नॉट गुड. जो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में फाउंडेशन बचा है
उसको मैं अपने अंडर आईज के नीचे भी लगा रही हूँ. मुझे लग रहा है कि दिस वन कोट इज इनफ फॉर मी, सो आई एम नॉट अप्लाइंग द सेकेंड कोट ऑफ फाउंडेशन. फॉर अंडर आई ब्राइटनिंग आई एम टेकिंग पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर इन अ शेड ऑफ मोका. इसे मैं अंडर आई हाईलाइट कर दूंगी. सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा रही हूँ एंड लिटिल बिट हियर, हियर लिटिल बिट माउथ एरिया, नोज एंड या एंड सेम मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर लगाया है उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. सी माय अंडर आईज लुकिंग सो ब्राइट. मेरी स्किन से टू शेड लाइटर है, सो दिस लाइटर शेड इज फॉर ब्राइटनिंग अप. स्किन का जो सेम शेड है दैट इज फॉर कंसीलिंग. तो मैंने पहले जो इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर दिया दैट वाज सेम एज माय स्किन, उससे मैंने अंडर आई को कंसील कर दिया एंड मैंने अपनी स्किन से दो शेड लाइटर लेके अपने अंडर आई को हाईलाइट कर दिया. सो अभी हमने जो भी प्रोडक्ट लगाया है कंसीलर फाउंडेशन उसे हम लॉक कर देंगे. सो फॉर लॉकिंग आई एम टेकिंग फिटमी का लूज पाउडर. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पाउडर. आई एम टेकिंग मीडियम शेड से मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर में लेके अपने अंडर आई के नीचे लगा दूंगी. मैं बेकिंग नहीं कर रही हूं, नॉर्मली मैं सिर्फ पाउडर को अप्लाई कर रही हूं और थोड़ा पाउडर लेके. दिस इज वेरी लाइट पाउडर. आपकी स्किन पे ये पाउडर एकदम मेल्ट हो जाएगा. वेरी वेरी गुड पाउडर मैंने अपने फुल फेस पे लगा लिया. बहुत ही मैंने बहुत कम लिया है, ज्यादा नहीं लिया है. सो आवर बेस इज डन एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग सो नाइस एंड फ्लॉलेस. बहुत ही अच्छा लग रहा है बेस. व्हेन यू हैव अ नाइस फ्लॉलेस बेस उसके ऊपर मेकअप करने का मजा ही कुछ अलग आता है. सो नाउ वी विल डू आईब्राउज. आईब्राउज आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी का आईब्राउज पेंसिल और ये जो ब्रश है उससे पहले मैं अपनी आईब्राउज को अच्छे से कोम कर दूंगी. देन विद द लाइट हैंड आई विल अप्लाई द प्रोडक्ट जहां जहां मुझे गैप लग रहा है वहां मैं प्रोडक्ट लगा रही हूं. नाउ विद द सेम ब्रश आई विल कोम माई आईब्राउज तो जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाए एंड माई ब्राउज विल लुक वेरी नाइस एंड नेचुरल. सो आईब्राउज इज डन. नाउ वी विल डू आई मेकअप. दिस इज माई फुल फेस मेकअप लुक. सो इसके अंदर मैंने आईज भी बहुत अच्छी ग्लैमरस करी है बट आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल येट वेरी ग्लैमरस. तो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ द आई शेडो प्रोडक्ट. आई एम टेकिंग ओनली टू आई शेडोज एंड आई एम क्रिएटिंग दिस आई लुक. सो फॉर आई शेडो टूडे आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी का आई शेडो और ये मैं अपने पूरे आईज पे लगा दूंगी. सो ऑन माई फ्लफी ब्रश मैं थोड़ा सा ये प्रोडक्ट ले रही हूं और मैं अपने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी. दिस इज हाईली पिगमेंटेड. पहले मैं उसको प्लेस कर रही हूं अपनी आंखों पे एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग. दिस इज हाईली पिगमेंटेड तो टेक वेरी लिटिल प्रोडक्ट एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड पिगमेंट. दिस इज ऑल्सो फॉर समथिंग 180 और 190 रुपीज, आई डोंट रिमेम्बर. एंड मोस्टली स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चलता ही रहता है नायका पे. वाओ, यू कैन सी इट्स हाईली पिगमेंटेड. तो प्लीज गाइज टेक वेरी लेस प्रोडक्ट एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. Now I will take the clean fluffy brush और यही वाला bronzer मैं थोड़ा सा fluffy brush पे लेके crease को थोड़ा diffuse कर दूंगी. Just I'm blending little bit on a crease के कोई harsh line ना लगे and the product will nicely blend.
आई एम डूइंग अ वेरी इजी कट क्रीज. तो ये जो पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर है, थोड़ा सा कंसीलर में अपने फ्लैट ब्रश में लेके अपने क्रीज को मैं कट कर दूंगी. तो मैं अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके सेंटर तक अच्छे से कंसीलर लगा दूंगी. इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके मैंने सेंटर तक कंसीलर अच्छे से लगा दिया. दिस इज वेरी इजी कट क्रीज गाइस, वेरी गुड फॉर बिगिनर्स. दैट्स इट. नाउ आई विल बी टेकिंग स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो और जहां पे हमने कट क्रीज किया है वहां पे ये मैं लगा दूंगी. और मैं एक फ्लैट ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. वेरी नाइस पिगमेंटेड. ये देखिए आई एम टेकिंग दैट फ्लफी ब्रश. मैं ये शेड थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेके आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी. आउटर कॉर्नर से सेंटर तक मैं ब्लेंड कर दूंगी. सो दोनों शेड ऐसा ना लगे डिफरेंट है, ऐसे लगे एक ही है. सी यू कैन सी, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड लुकिंग सो ग्लैमरस. आप देख सकते हैं. वाओ. नाउ वी विल डू आईलाइनर. सो उसके लिए मैं मेबेलिन का कॉलोसल आईलाइनर ले रही हूं और मैं विंग कर रही हूं. सो विंग हो गया. सो यू कैन सी दिस लुक इज लुकिंग सो गुड एंड इट्स वेरी इजी कट क्रीज आईज. एंड फॉर मस्कारा आई एम टेकिंग नायका का कर्ल पावर मस्कारा. नाउ ये वाला जो स्मॉल ब्रश है इसके अंदर मैं सेम यही वाला थोड़ा सा शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे लगा दूंगी. काजल आई एम टेकिंग के ब्यूटी का काजल. सी यू कैन सी काजल से पूरा लुक चेंज हो गया एंड इजंट इट लुकिंग सो नाइस. ये मेरा फेवरेट इजी कट क्रीज मेकअप लुक है, बहुत ही जल्दी हो जाता है एंड वेरी गुड फॉर द बिगिनर्स. सो नाउ जल्दी से मैं अपनी सेकेंड आईज कर लेती हूँ. सो मैंने सेकेंड आईज कर ली एंड इजंट इट लुकिंग सो नाइस एंड ग्लैमरस एंड एप्रोप्रिएट फॉर एनी काइंड ऑफ अ पार्टी और फंक्शन. सो नाउ वी विल डू रेस्ट ऑफ द फेस. फॉर ब्रॉन्जर आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्जर. दिस इज माई न्यू फेवरेट. दिस इज नॉट मैट बट स्टिल मुझे बहुत ही पसंद है ये ब्रॉन्जर. सो मैं ये स्विस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ एंड इसमें ये जो डार्क शेड है this I will apply as a bronzer. You can see it's so nice and pigmented
सेम शेड से मैं चिन को कट कर दूंगी, थोड़ा सा नोज को कटिंग दे देंगे। सो नाउ फॉर ब्लशर आई एम टेकिंग ब्लू हेवन का ब्लश ऑन, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस ब्लशर। ये सारे ड्रग स्टोर जो ब्रांड्स है, ब्लू हेवन, इनसाइट, स्विस ब्यूटी एंड निका के, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। सो ये वाला मैं न्यूड कलर ले रही हूं, ब्राउन। दिस इज ऑल्सो शिमरी शेड, सो इफ यू डोंट वॉन्ट यू कैन स्किप हाईलाइटर। दिस इज वेरी नेचुरल ब्राउन शेड, बहुत ही अच्छा लग जाए, जस्ट अ हिंट ऑफ कलर एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, ट्रस्ट मी। बिकॉज हमने आईज इतनी डार्क की है, सो आई थॉट नॉट टू डू ब्लशर वेरी डार्क, अदरवाइज आंखें भी डार्क, ब्लशर भी डार्क, सो इट विल नॉट लुक गुड। सो मैंने ब्लशर एकदम ही स्किन टाइप, एकदम ही नेचुरल रखा है। सो नाउ वी विल डू हाईलाइटर। सो ये सेम पैलेट में से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। हाईलाइटर के लिए मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, दिस स्विस ब्यूटी ब्रांड रियली मुझे इतना इम्प्रेस करी है इस ब्रांड ने कि नाउडेज आई प्रेफर स्विस ब्यूटी, इनसाइड कॉस्मेटिक, ब्लू हेवन के प्रोडक्ट मोर देन अदर ब्रांड्स, बिकॉज इट्स सो पॉकेट फ्रेंडली एंड अमेजिंग क्वालिटी। एंटायर पैलेट इज फॉर 350 and it's worth it. So done, the makeup is complete. This is a full face makeup look and आपने देखा कितना जल्दी हो गया ये makeup. ऐसा नहीं है तो full face है तो it will be time consuming or you will require lot of product. No, full face makeup look भी कम product में हो सकता है and आज मैंने आपको करके दिखाया. Only basic product and my look is complete. So now we will apply lipstick. Lipstick के लिए मैंने high end brand choose किया है, which is Smashbox, and this is Smashbox mini lipstick. और मैं shade ले रही हूँ driver seat. So complete makeup look is complete. आपने देखा, it's so easy, yet this look is looking so nice and glamorous. This kind of a makeup look you can carry with Indian outfit as well as Western outfit. और आप देख सकते हैं कितना जल्दी मैंने full face glamorous makeup look किया and you can see the eyes. Eyes भी इतनी अच्छी लग रही है and this eyes will look very good in night time. बहुत ही अच्छी लगेगी and this entire look will complement your night party very well. So, आप भी ये लुक जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा, और मैं बहुत ही जल्दी आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।